अगर अचानक से पकड़ ले, इस तरह से अगर पकड़ लिया, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वाले हैंड से यहाँ मारना है पूरा पावर से, इस हैंड से मारना है पंच। उसके बाद आपको करना क्या है, इस वाले हैंड को लेके जाना है पीछे और यहाँ से मार के गिरा देना है। उसके बाद इस तरह दाब देना है पैर से। उसके बाद आपको करना क्या है, फेस पंच मारना है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा ट्रिक। दूसरा ट्रिक कैसा दिखता है भाई, ये भी देख लीजिए। अगर अचानक से पकड़ लिया इस तरह से, तो आपको करना क्या है, ये भी भाई बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपको मारना है, उसके बाद पंच मारना है। जैसे ही झुका, उसके बाद पैर को लेके जाना है पीछे और इस हैंड को लाना है यहाँ, तुरंत इस तरह से गिराना है और इस तरह से मारना है। आप जितना मार सकते हैं, देखिए पैर से आपको इस तरह से दाबना है ताकि वो उठ नहीं सके। उसके बाद आपको फेस पंच मारना है, ठीक है, पैर से दाब देना है ताकि उठ नहीं सके। उसके बाद आपको फेस पंच मारना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है शहाबुद्दीन। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर रोड फाइट में अचानक से इस तरह से कॉलर पकड़ ले और आपको मारने लगे, तब आप उस टाइम क्या करेंगे, अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे, अपना बचाव कैसे करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, नहीं तो आपसे पहले कोई और कर देगा। तो भाई ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दिखता है कैसा, पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, दोनों खतरनाक ट्रिक है। पहले आप देख लीजिए कैसा दिखता है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मान लीजिए अगर अचानक से आपका कॉलर पकड़ ले इस तरह से और आपको मारने का कोशिश करे, तो आपको करना क्या है भाई, जैसे ही आपका कॉलर पकड़े तो आपको करना क्या है, इस हैंड से इस तरह यहाँ मारना है और पंच मारना है, तुरंत झुक जाएगा दुश्मन। उसके बाद आपको करना क्या है, इस हैंड को लेके जाना है पीछे और इस तरह से गिराना है और इस तरह से तुरंत दाब देना है दुश्मन को। उसके बाद करना क्या है भाई, आपको मारना है फेस पंच। तो दोस्तों मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ भाई ताकि आप अच्छे से देख सकें, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अगर अचानक से पकड़ ले, इस तरह से अगर पकड़ लिया, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वाले हैंड से यहाँ मारना है पूरा पावर से, इस हैंड से मारना है पंच। उसके बाद आपको करना क्या है, इस वाले हैंड को लेके जाना है पीछे और यहाँ से मार के गिरा देना है। उसके बाद इस तरह दाब देना है पैर से। उसके बाद आपको करना क्या है, फेस पंच मारना है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा ट्रिक। दूसरा ट्रिक कैसा दिखता है भाई, ये भी देख लीजिए। अगर अचानक से पकड़ लिया इस तरह से, तो आपको करना क्या है, ये भी भाई बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपको मारना है, उसके बाद पंच मारना है। जैसे ही झुका, उसके बाद पैर को लेके जाना है पीछे और इस हैंड को लाना है यहाँ, तुरंत इस तरह से गिराना है और इस तरह से मारना है। आप जितना मार सकते हैं, देखिए पैर से आपको इस तरह से दाबना है ताकि वो उठ नहीं सके। उसके बाद आपको फेस पंच मारना है, ठीक है, पैर से दाब देना है ताकि उठ नहीं सके। उसके बाद आपको फेस पंच मारना है, तुरंत मारिए भाई, मारिए। जब तक नहीं मारिएगा तो दुश्मन घायल नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख के सीख सकें। ध्यान से देखिए, अगर अचानक से पकड़ ले तो, देखिए पकड़ लिया अचानक से, तो आपको करना क्या है, यहाँ मारना है, उसके बाद पंच, उसके बाद ये वाले लेग को लेके जाना पीछे, उसके बाद इस तरह से गिराना है, उसके बाद यहाँ दाबना है, उसके बाद क्या करना है, फेस पंच मारना है। दोस्तों मैं आपको मार के तो नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट को चोट लग जाएगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से देख करके सीख सकें। दोस्तों अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा भाई, आप एक ही बार में सीख लीजिएगा। अगर अचानक से इस तरह से पकड़ ले तो आपको करना क्या है, देख लीजिए भाई, मेरा दुश्मन जो है वो भी पूरा फुर्ती में है, देखते हैं तुरंत पकड़ लेता है। दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे ही इस तरह से पकड़ ले तो आपको करना क्या है, इस हैंड से आपको मारना है इस जगह पर, ये जो हैंड का जोड़ होता है भाई, इसी जगह पर आपको मारना है। जैसे ही ऊपर से ला के इस तरह से मारिएगा तो वो झुक जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इस हैंड से, देखिए अब ये कमेंट आप नहीं कीजिएगा, दुश्मन क्या मुंह देखेगा उतना देर से,
भाई ये सब आपको फास्ट करना है, मैं आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए स्लो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाना भी है। फास्ट तो मैं पहले करके दिखा दिया, उसके बाद आपको करना क्या है, इस हैंड से पूरा पावर से यहाँ पंच मारना है, वो झुक गया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसी हैंड को जाना है लेके पीछे, यानी कि उनके हैंड के पीछे। उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह से आपको गिराना है और इस तरह से रख देना है पैर उनके पीठ पर, उनको दाब देना है, वो उठ नहीं पाए, बस यही करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, मारना है फेस पंच, पूरा पावर से मारिए। मतलब जैसे ही वो उठने के लिए करेगा, जैसे ही वो गिरेगा, तुरंत आपको इस तरह से दाब देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह से आ करके फेस को पकड़ना है और पूरा पावर से मारना है। तो चलिए मैं इसी ट्रिक को फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आप नहीं समझ पाइएगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर 1000 बार भी बताना पड़े मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको सिखाऊँगा। अगर नए चैनल पर आए भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। अगर अचानक से पकड़ ले इस तरह से, तो आपको डरना नहीं है, करना क्या है, इस हैंड से पूरा पावर से यहाँ मारना है। देखिए आपके दिमाग में यह भी चलता होगा, अगर इस हैंड से पकड़ ले तो क्या करूँगा, तो आपको करना क्या है, अगर इस हैंड से पकड़ ले आपको तो ये वाले हैंड से मारना है ऊपर से, ठीक है, समझ गए। अगर इस हैंड से पकड़ ले कॉलर तो ये वाले हैंड से मारना है ऊपर से, और इस हैंड से पंच करना है। ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, अगर इस तरह से पकड़ लिया है कॉलर तो इस हैंड से पूरा पावर से ऊपर से ला करके यहाँ मारना है पावर से, उसके बाद पंच मारना है पूरा पावर से। देख लीजिए झुक गया, उसके बाद क्या करना है, इसी हैंड को लेके जाना है पीछे की ओर, उसके बाद यहाँ से गिरा देना है, उसके बाद देख सकते हैं आप भाई दाब देना है उसको। उसके बाद क्या करना है, तुरंत क्या करना है, इस तरह से आ करके दुश्मन के फेस पर मारना है पूरा पावर से। दोस्तों मैं आपको मार के नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि चोट लग जाएगा, आप समझ सकते हैं भाई। आपको कैसा लग रहा भाई वीडियो देखने में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा ट्रिक, बहुत ही अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिए, वो भी बहुत खतरनाक ट्रिक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका कॉलर कोई पकड़े तो रोड फाइट में। ध्यान से देखिए, देखिए अगर इस तरह से पकड़ा तो आपको करना क्या है, इसी हैंड से पूरा पावर से यहाँ मारना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पंच मारना है पूरा पावर से, पूरा पावर से पंच मारना है, और इस वाले लेग को, जो लेग आपका पीछे है उसी लेग को लेके जाना है पीछे, यानी कि दुश्मन के पैर के पीछे, इस तरह से पीछे लाना है। उसके बाद इस हैंड को लाना है यहाँ, और यहाँ से गिरा देना है, उसके बाद मारना है फेस पर पूरा पावर से। आप दुश्मन को इसी जगह से दाब भी सकते हैं ताकि वो उठ नहीं सके, उसके बाद आपको मारना है, तुरंत तुरंत मारिए भाई ताकि दुश्मन घायल हो जाए और उठ करके फिर से आपका कॉलर पकड़ने के लायक नहीं रहे। दोस्तों मैं अपने एक स्टूडेंट को घायल नहीं कर रहा भाई, इसलिए उठ करके फिर से पकड़ रहा है मेरा कॉलर, क्योंकि भाई आपको सिखाना है, समझाना है, ताकि आप भी सीख सकें और अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर से आप देख लीजिए भाई ये वाला ट्रिक, देखिए अचानक से पकड़ लिया तो क्या करेंगे आप, इस वाले हैंड से पूरा पावर से यहाँ मारना है, यहाँ से पंच मारना है, उसके बाद क्या करना है, ये वाले लेग को पीछे लेके जाना है, उसके बाद इस हैंड को यहाँ ला के गिराना है, उसके बाद दाबना है पूरा पावर से ताकि वो उठ नहीं सके, उसके बाद आपको फेस पंच मारना है पूरा पावर से। भाई आप देख सकते हैं दुश्मन पूरा गिरा हुआ है, ठीक है, पूरा पावर से मार सकते हैं। अगर अब से आपका कॉलर कोई पकड़ ले भाई तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस इसी दो ट्रिक में से एक ट्रिक को इस्तेमाल करना है, और आप कमेंट करके ये बताइए दो ट्रिक में से आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए भाई तो दिल से स्वागत है आपका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके आप तक सबसे पहले। दोस्तों फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।